हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टीईटी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक नया अपडेट को लेकर, बीपीएससी टीआरई 2 विद्यालय में शिक्षकों को योगदान से पहले जिला के द्वारा कैसे उन्हें बिरमन पत्र या अनाप्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उससे रिलेटेड शिक्षा विभाग की तरफ से एक फॉर्मेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जो इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस शिक्षा विभाग के द्वारा जारी फॉर्मेट को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर कार्यालय आदेश विज्ञापन संख्या 2623 बीपीएससी टीआरई 1 से विज्ञापन संख्या 2723 बीपीएससी टीआरई 2 में निम्न सोपान से उच्च सोपान से में विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं। वैसे विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 1 में कक्षा 1 से 5 में चयनित हुए थे, किंतु टीआरई 2 में कक्षा 6-8 के लिए, 9-10, 11-12 के लिए चयनित हुए हैं, अथवा वैसे विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 1 में कक्षा 9-10 के लिए चयनित हुए थे किंतु टीआरई 2 में कक्षा 11-12 में विद्यालय अध्यापक के लिए चयनित हुए हैं, को विद्यालय में योगदान हेतु निम्नवत विरमन या अनाप्ति दी जाती है। आप देख सकते हैं कैसे उन्हें विरमन या अनाप्ति दी जाती है। यहाँ पे कर्मशक्या दिया हुआ है, विद्यालय अध्यापक का नाम जैसे पुरुषोत्तम कुमार, विद्यालय का नाम माध्यमिक विद्यालय गोहटा कहलगांव, और उनका बीपीएससी आईडी दिया गया है। ये जिला के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे, सेकेंड में आप देख सकते हैं जितेंद्र कुमार, माध्यमिक विद्यालय उस्मानपुर खरीक, और यहाँ पर उनका बीपीएससी आईडी दिया हुआ है। तो इस तरह से जिला के द्वारा शिक्षकों को विरमन या अनाप्ति दी जाती है। आप देख सकते हैं कि जिला के द्वारा जारी किया गया है, यहाँ पे शिक्षकों का नाम दिया गया है, वो किस विद्यालय से संबंधित है, और उनका बीपीएससी आईडी के द्वारा उन्हें चिन्हित करके विरमन या त्यागपत्र उनका दिया गया है। ये आपकी फॉर्मेट है जो आपके जिला की तरफ से, जहाँ पे आप पहले पोस्टेड थे, नियोजित शिक्षकों को दी जाएगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जो टीआरई 2 में गए हैं 1 से, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का फॉर्मेट है। तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी न्यू अपडेट है, जिसे आप देख लीजिए। आप लोग परेशान नहीं हुई है, ऐसे ही अपडेट आप लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे आपके चैनल के द्वारा। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। जी हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी, आप सभी के तैयारी के लिए बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बेस्ट बुक जो है आ चुकी है चक्षु पब्लिकेशन की, और ये जो है एग्ज़ाम क्रैकर बुक है। और इस बुक की खासियत ये है कि इसमें 2023 के हल प्रश्न पत्रों का संग्रह जो है दिया गया है, और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 की स्टडी गाइड बुक है, और ये जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। इसमें जो है पेपर 1 जो कि भाषा से है, और पेपर 2 समान अध्ययन की सिलेबस जो है पूरी दी गई है, सिलेबस के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। और इस बुक में जो है 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह है, साथ में एक सोल्व पेपर जो है दिया गया है। तो आप सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, अगर आप पास करना चाहते हैं तो इस बुक को आप ले सकते हैं। देख सकते हैं विषय सूची पेपर 1, इसमें जो है अंग्रेजी यानी कि भाषा है, हिंदी आपका है, देख सकते हैं बिहार स्पेशल इसमें आपको देखने को मिलता है, वहीं पे हिंदी है, अंग्रेजी हो गया आपका। उसके बाद समान अध्ययन, इसमें आपका रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका है, साथ में देख सकते हैं समान अध्ययन में भारतीय इतिहास से आपका मिलता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था, वहीं पे भारतीय संविधान इसमें है सिलेबस के आधार पर, जनरल साइंस से क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणित एवं प्रारंभिक जीव विज्ञान रसायन विज्ञान से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। साथ में बिहार स्पेशल यहाँ पर दी गई है, बिहार के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। आपके लिए स्टडी मटेरियल है आपके लिए। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक आ चुकी है
चक्षु पब्लिकेशन की। इनकी अन्य बुक्स भी आती है, देख सकते हैं, और इस बुक को आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, स्नैपडील से ले सकते हैं, और इसकी बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से परचेज कर सकते। चक्षु की कम्बो पैक भी आती है, देख सकते हैं कम्बो पैक, और ये है चक्षु का गणित, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, समान अध्ययन और कंप्यूटर साइंस के बुक इनके उपलब्ध हैं। आप इन बुक्स को ले सकते हैं, अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। तो कम्बो बुक भी आ चुकी है, कम्बो बुक पैक जो है आ चुकी है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप जो है chakshubook.com से आप परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, अमेजन से परचेज कर सकते हैं, स्नैपडील से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए अवेलेबल करा दी गई है, आप परचेज कर सकते हैं।